लोगे, रोकना एक बार, रोकना बंद करना, इसको रोकना एक बार। ये थोड़ा स्लो चलता है तो क्या इससे ज्यादा स्पीड होती है इसकी? अरे बेटा ज्यादा स्पीड क्या है, किसान को दोनों प्रकार से चलाना होता है, धीरे भी चलाना होता है और तेज भी चलाना होता है। पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिर्फ पहली बार में अभी यहाँ पे रोटावेटर गुजारा गया है और हर प्रकार से जो जड़े हैं वो बाहर आ गई हैं। क्योंकि मिट्टी का काम क्या होता है इस रोटावेटर को, पहले ऊपर की मिट्टी नीचे करना और नीचे की मिट्टी ऊपर करना, इसी प्रकार उपजाऊ मिट्टी में सही फसल उगता है। अब आपने स्पीड की बात की है, स्पीडें इसमें बहुत है। अब हम दूसरा गियर लगा के दिखाएंगे और इसकी शक्ति का जो सही RX11 डीलक्स मॉडल का शक्ति है वो अभी आपको दिखाएंगे। बेटा चलाइए और इसका दूसरा गियर लगाइएगा। फिलहाल जो ये टिलर है ये दूसरे गियर में चल रहा है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ये जो खरपतवार को किस प्रकार से निकाला है ये आप देख सकते हो, और पीछे जमीन कितनी खोली कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ के साथ में। तो ये पूरे के पूरे खरपतवार का सफाया, और इतनी जब पीछे ताकत जो आपको देख सकते हो, मिट्टी किस प्रकार से भुरभुरी हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको गहराई दिखाता हूँ एक बार, तो ये देखिए पहली बार में इतनी गहराई यहाँ पर है, और सेकंड टाइम यहाँ पर हम लेकर गए थे तो बिल्कुल पूरी तरह से ट्रैक्टर की तरह यहाँ पर जो मिट्टी में पूरी खरपतवार को मिला दिया इसने। यहाँ पर वाइब्रेशन आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप गहराई देख सकते हो, दूसरी बार यहाँ पर रोटावेटर है तो गहराई बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा हो गई है और पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरा कर दिया। अगर बेटा इसमें वाइब्रेशन ही रहेगी तो जब मशीन काहे की बनी, इसी को RX11 डीलक्स मॉडल बोलते हैं। और गहराई आप खुद नाप के देखिए अभी कितना इसका गहराई है, और वाइब्रेशन देखिए, एक हाथ से लड़का चला रहा है और आपको कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं दिखाई देगी। और मिट्टी जड़ से निकाल के ऊपर फेंकता, जो रोटावेटर ऊपर से निकाले उसे ही हम रोटावेटर बोल सकते हैं, नहीं तो उसे हम रोटावेटर नहीं बोल सकते। बिल्कुल, तो ये जहाँ पर हमने रोटावेटर चलाया था वहीं पे कल्टीवेटर चला रहे हैं 5 फालियों वाला, तो ये तो कल्टीवेटर वाली जगह पर हम चला रहे हैं। काफी अच्छा यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो, लेकिन एक मिनट रोकिए, ये तो कल्टीवेटर वाली जगह की हमने बात करी, लेकिन एक्चुअल में ताकत टर्बो की और आपके अटैचमेंट की इंजन की यहाँ पर पता चलेगी। तो यहाँ पर चला कर और दिखाइए कि यहाँ पर रिजल्ट कैसा आता है इसका। बेटा ऐसे है, काम तो इसी प्रकार से होता है, कल्टीवेटर चलता है ऐसी मिट्टी में। बिल्कुल, आपने बोल दिया इस मिट्टी में, तो हम आपको ताकत दिखाना चाहते हैं कि इस मिट्टी में भी कल्टीवेटर उसी प्रकार से काम करेगा जैसे उस मिट्टी में कर रहा है। बेटा घुमा के इस मिट्टी में लेके आइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कल्टीवेटर की हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, वहाँ पर हमने जो रोटावेटर वाली जगह पर देखा, और ये देखिए 5 फालियों वाला यहाँ पर कल्टीवेटर है। और एक्चुअल में जो टर्बो की ताकत है वो यहीं पर बंजर टाइप की जो हार्ड सोइल होती है उसमें पता चलती है कि एक्चुअल में ताकत कितनी है और अटैचमेंट का यहाँ पर सिस्टम कैसे दिया गया है। वहां मैं आपको बेटे ये बताना चाहता हूँ, आमतौर पे पीछे कल्टीवेटर लगा दिया जाता है, इस प्रकार से लकीरें कूटते हैं जैसे सांप की लकीरें कूटी होती है। मिट्टी को अंदर से फाड़ना और सही तरीके से काम करना, इसी को कल्टीवेटर बोलते हैं और इसी को मशीन की पावर बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर गहराई दिखाता हूँ तो उसी प्रकार से यहाँ पर गहराई निकल कर सामने आती है, अच्छे प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो अटैचमेंट है इसको वक्कर बोलते हैं, महाराष्ट्र बिहार साइड में काफी चलती है, बिल्कुल खरपतवार को जड़ से निकाल कर फेंक देगा। इसके नीचे ब्लेड लगी हुई होती है तो इसके बाद में खरपतवार रहने का कोई चांस नहीं होता, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। लेकिन वहां पर भी क्या ये काम कर सकता है बगैर कल्टीवेटर के? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से कल्टीवेटर पहले निकाला, अब इसकी जड़ें बाहर करना बहुत ही जरूरी है, खरपतवार जो भी इसमें है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ और ये जड़ों को बाहर करते हुए चले जा रहा है, और एक भी जो जड़ है वो नीचे नहीं बचती, सारी की सारी जड़ें बाहर आ जाती हैं। सही तरीका इसका काम करने का ये है, पहले कल्टीवेटर लगता है और उसके बाद ये वक्कर लग के जड़ें बाहर करता है। पर हम इस तरीके का भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अगर सीधी जमीन में हम इसे चलाकर खरपतवार को डायरेक्ट बाहर करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी बाहर कर सकता है। हमने वक्कर जो बनाया वो इस प्रकार का आपको तैयार करके दिया। तो ये देखिए कल्टीवेटर यहाँ पर हमने नहीं लगाया, फिर भी ये जो वक्कर है बिल्कुल खरपतवार को जड़ से एक बार भी निकाल कर फेंक रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्लेड के द्वारा ये खरपतवार का सफाया करता हुआ चल रहा है। कोई भी अटैचमेंट अगर पावर मीटर के पीछे लगता है, अगर पावर मीटर में ताकत है और अटैचमेंट सही है तो वो काम सही कार्य करेगी, नहीं तो वो कार्य नहीं करेगी, क्योंकि इसकी पावर होनी बहुत जरूरी है।